बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कांटी क्षेत्र स्थित साइन छपरा देवनन गांव में आज एक किसान अपनी ही की गई खेती को बर्बाद कर रहा है। ये किसान फूलों को तोड़ कर खेत में ही फेंक रहा है। दरअसल इस किसान ने 22 कट्टा खेत जमींदार से 1000 रुपए प्रति कट्टा लिया था और फिर फूलों की खेती करने के लिए गांव में संचालित स्वयंसेवी समूहों से 60,000 रुपए कर्ज लिया था और फूलों की खेती की, लेकिन आज सपरिवार मिलकर खेतों में ही फूलों को तोड़कर फेंकने पर मजबूर है। लॉकडाउन की वजह से शहर के मार्केट बंद है, गाड़ियां बंद है, ना तो शादी हो रही है और ना ही मंदिर खुले हैं। ऐसे में कोई उपाय न देख किसान अपने अरमानों को मिट्टी में मिलाने में जुटा हुआ है। लॉकडाउन की वजह से पूरा मार्केट बंद है, जिसके कारण हम लोग फूल को तोड़ के खेत में फेंक दे रहे हैं और इससे हम लोगों को बहुत क्षतिग्रस्त है और हम लोग समूह से पैसा लेकर के इस खेती को किए हुए। इस किसान का कहना है कि कर्जदारों को चुकता करने के लिए पैसे नहीं है, ऐसे में अपनी ही खेती बर्बाद करनी पड़ रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना महामारी ने कई लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। मुजफ्फरपुर से न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट।